हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी दिवाली पर किसी को भी गिफ्ट में कौन कौन सी चीज़ें नहीं देनी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी हो जाती है नाराज़। कार्तिक मास का आरंभ होते ही त्योहारों का आगमन हो जाता है। भारतीय संस्कृति में त्योहारों का विशेष महत्व है क्योंकि हर वर्ष विभिन्न त्योहारों को मनाने से लोगों में नई स्फूर्ति और ऊर्जा पैदा होती है। सभी त्योहारों का सरताज दीपावली भारत का ही नहीं विश्व भर का सुप्रसिद्ध पर्व है जो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दीपों का त्योहार दीपावली पांच पर्वों का महत्व है क्योंकि इसे पांच दिनों तक निरंतर अलग अलग रूप में मनाने की परंपरा है। धनवंतरि त्रयोदशी से शुरू हुआ ये पंच पर्व भैया दूज तक मनाया जाता है। इन पांच दिनों की पर्व श्रृंखला में श्री हनुमान जयंती, नरक चतुर्थी या नरक चौदस या छोटी दिवाली, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज यानी कि यम द्वितीया मनाई जाती है। त्योहारों के इस दौर में मित्रों और रिश्तेदारों को तोहफे देने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। किसी भी व्यक्ति को अपनी किस्मत से अधिक और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन अनजाने में कई बार हम अपने प्रियजनों को कुछ ऐसे उपहार दे देते हैं जिससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। तो चलिए जान लेते हैं दिवाली पर किसी को तोहफे में कौन सी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। घर में गणेश जी और माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्वयं तो लाएं लेकिन किसी को गिफ्ट न दें। पंच महोत्सव में पांच धातुओं से बनी कोई भी चीज़ तोहफे में न दें, जैसे सोना, चांदी, तांबा, कांसा और पीतल, लेकिन इसे अपने घर में ज़रूर लाएं। स्टील और लोहे से बनी कोई भी चीज़ गिफ्ट करें लेकिन अपने घर न लाएं। रेशमी कपड़े अपने लिए खरीदें लेकिन गिफ्ट ना करें। तेल लकड़ी से इस्तेमाल होने वाली कोई वस्तु न खरीदें। काले रंग का कोई भी सामान न ही अपने लिए घर लाएं और न ही गिफ्ट करें। धनतेरस के दिन कुछ भी शॉपिंग करें तो अपने लिए खरीदें, किसी के लिए भेंट न लें। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि दीपावली पे आपको कौन कौन से गिफ्ट किसी और को नहीं देने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप तक हमारे द्वारा कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट टिप्स पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।